लाइव जुड़ जाइए आप लोग ठीक है हम लोग जो प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़े थे वो हम लोगों ने पढ़ा था डेटा टाइप वेरिएबल और डेटा टाइप के साइज़ को कैसे पता करते हैं ठीक है ये हम लोगों ने पढ़ा था आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ठीक है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ये सबसे बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है इससे एम सी क्यू क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है ऑपरेटर का कितना टाइप होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट को जानना ये होगा कि ऑपरेटर कहते किसको है तो सी प्लस प्लस में जितना भी सैम्बल होता है वो सबको ऑपरेटर बोलते हैं मतलब अगर ऑपरेटर का थ्योरी लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो ऑपरेटर जो होता है ऑपरेटर टीजा सैंबॉल सैम्बॉल सैम्बॉल को ऑपरेटर कहते हैं और जितने भी सैंबॉल होते हैं ठीक है जो भी होते हैं क्या इससे क्लियर नहीं दिख रहा है चलो इसमें आप देखोगे ऑपरेटर जो है ऑपरेटर वो सैम्बॉल होता है सैम्बॉल्स सैम्बॉल को ऑपरेटर कहते हैं जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन सबका एक अलग अलग सेम्बॉल होता है तो जितने भी सेम्बॉल हैं वो सबको हम लोग ऑपरेटर कहेंगे ठीक है और जो भी सैम्बॉल है सबका अलग अलग काम है अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को दिखाते हैं ठीक है ठीके? चलो ठीक है देख चेंज कर दे रहे हैं ये ब्लैक करे ठीक है ये ठीक इसमें आप देखोगे ये क्या है कि ऑपरेटर सेम्बॉल होता है जैसे प्लस माइनस इनटू डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन ये सब जो हम लोग जितना कुछ भी यूज करते हैं सबको ऑपरेटर बोलते हैं ठीक है थीके? तो ऑपरेटर इज अ सैंबॉल ऑपरेटर एक सेम्बॉल होता है जो परफॉर्म करता है दैट परफॉर्म्स परफॉर्म्स अ अ स्पेसिफिक टास्क एक खास तरह के काम को करता है ऑपरेटर एक सेम्बॉल होता है जो एक खास तरह के काम को करने के लिए किया जाता है ये पॉइंट आया समझ में ये ऑपरेटर का डेफिनेशन है ठीक है अब इसका टाइप कितना होता है तो ऑपरेटर का जो टाइप है वो टोटल फोर टाइप्स होता है ऑपरेटर्स का तो फोर में कौन कौन सा टाइप होता है ये आप समझोगे फर्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर्स सेकेंड वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स ये बोला जाता है और थर्ड वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स ऑपरेटर ये बोला जाता है और ऑपरेटर और नेक्स्ट अदर ऑपरेटर अदर ऑपरेटर्स ये होता है यूनरी में बहुत सारा टाइप होता है सबको वन बाय वन पढ़ाएंगे लेकिन इसके टाइप को देखेंगे यूनरी में बहुत सारा टाइप होता है पहला जो टाइप होता है वो होता है यूनरी माइनस यूनरी माइनस इसका सैम्बोल माइनस होता है नेक्स्ट यूनरी प्लस ये होता है ठीक है नेक्स्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एड्रेस साथ में लिखना है इसका सैम्बॉल एम परसेंट होता है नेक्स्ट होता है साइज ऑफ ऑपरेटर ये। इसका सैम्बॉल नहीं होता है पैरेंथिस होता है नेक्स्ट नोट ऑपरेटर नोट का एक्सक्लामेशन होता है एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन नेक्स्ट नेक्स्ट है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का सिंबल प्लस प्लस होता है और नेक्स्ट है डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका माइनस माइनस सिंबल होता है ठीक है यूनरी ऑपरेटर में इतना सारा टाइप होता है समझ में आया? यूनरी माइनस यूनरी प्लस एड्रेस ऑफ साइज ऑफ नोट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का सेम्बोल प्लस प्लस डिक्रीमेंट का सेम्बोल माइनस माइनस साइज ऑफ का सेम्बॉल नहीं होता है नोट का एक्सक्लामेशन होता है ऊपर लाइन नीचे डॉट जो ये है ये जो डॉट दिए हैं ठीक है ठीके? ये जो दिया हुआ लाइन और डॉट इसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं एक्सक्लामेशन साइन ये बोला जाता है एक्सक्लामेशन साइन यह नोट को डिनोट करता है नोट ऑपरेटर को डिनोट करता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बाइनरी में पढ़ेंगे बाइनरी में सबसे जो पहला ऑपरेटर होता है फर्स्ट उसको अर्थमैटिक बोलते हैं अर्थमैटिक ऑपरेटर अर्थमैटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस इनटू अ स्टार से होता है डिवीजन मोडुलस डिवीजन ये होता है नेक्स्ट नंबर टू रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल रिलेशनल में लेस देन ग्रेटर दैन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर थ्री जो है वो होता है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें डबल एम परसेंट डबल पाइपलाइन और नोट ये होता है नंबर फोर जो है नंबर फोर में जो है वो है आपका अर्थमेटिक रिलेशनल लॉजिकल और नंबर फोर जो है वो होता है बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है बीट वाइज ऑपरेटर बीट वाइज बीट वाइज बीट वाइज ऑपरेटर्स ये होता है बीट वाइज ऑपरेटर्स बीट वाइज ऑपरेटर्स इसमें जो है इसमें सिंगल परसेंट सिंगल और कैरेट टिल्ड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये होता है आवाज़ क्लियर है ना चलो इसमें आप देखोगे अगला जो है अगर मान लो कि ये बीट वाइज ऑपरेटर है तो सिंगल एम परसेंट पाइपलाइन कैरेट इसको बोलते हैं ये टिल्ड होता है ये राइट शिफ्ट ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये ऑपरेटर होता है एक और इसका है जो है असाइनमेंट ऑपरेटर नंबर फाइव नंबर फाइव।, फाइव जो है वो है असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं टेंशन नहीं लेना है सबके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है टर्नरी ऑपरेटर में दो ही सैम्बल आता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन यह सेम्बोल आता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन यह टर्नरी ऑपरेटर है और अदर ऑपरेटर में जो आता है वो नंबर वन में आता है डॉट ऑपरेटर इसको डॉट बोलते हैं सेमी कॉलन सेमी कॉलन डॉट कॉमा इसको सेमी कॉलन बोलते हैं सेमी कॉलन सेमी कॉलन ये होता है ठीक है यहाँ नहीं लिखा ये फिर से लिख देते हैं इसको ठीक है सेमी कॉलन ये बोला जाता है कॉलन ये होता है उसके बाद डबल कॉलन डबल कॉलन ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग अस्कॉप स्कॉफ रेजोल्यूशन ये बोला जाता है नेक्स्ट कॉलन होता है कॉलन एटसेट्रा इसमें और भी होता है इतने सारे ऑपरेटर का टाइप है अब सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ठीक है एक बार इसको आप लोग देख लोगे अच्छे से जो भी सेम्बोल का नाम आपको नहीं पता है यस चांदनी परवीन पढ़ना है ये सब सारा टाइप ठीक है ये सब जो ऑपरेटर जितने भी लिखे हैं अगर किसी का सेम्बॉल में प्रॉब्लम है तो वन बाय वन पढ़ेंगे तो सबका नाम आपको पता चल जाएगा विथ नेम बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं इतना सारा ऑपरेटर पढ़ना है लेकिन ऑपरेटर पहचानने आना चाहिए कि ऑपरेटर को हम लोग पहचानेंगे कैसे जैसे पूछ देगा अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट बताइए कि क्या है तो आर्थमैटिक ऑपरेटर का सेट आपको बताना पड़ेगा प्लस माइनस इनटू डिवीजन, मॉडुलस मोडुलस डिवीजन इस तरह से आपको याद होना चाहिए ऑप्शन में दिया रहेगा अगर रिलेशनल का सेट पूछेगा तो लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब आपको बोलना वहाँ पे सेट में दिया रहेगा तो पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर है या कौन सा सेम्बोल है इसको क्या बोलते हैं या किसके टाइप के अंदर आता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए समझ में आ गया अब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में कि यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं ठीक है और इसके टाइप पढ़ लेंगे फिर बाइनरी में आएंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें आप देखोगे यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी ऑपरेंट होगा ऑपरेंट वेरिएबल को बोलते हैं यूनरी यूनरी ऑपरेटर इसमें आप समझोगे यूनरी जैसे प्लस है तो ये सिंगल ऑपरेंट के साथ अगर यूज हो रहा है जैसे ए लिख रहे हैं तो ए सिंगल ऑपरेंट है तो इसी ए को ऑपरेंट बोला जाता है ऑपरेंट बोलते हैं और ये सेम्बोल को ऑपरेटर बोला जाता है क्या बोला जाता है ऑपरेटर ये जो वेरिएबल है इसी को हम लोग C++ में ऑपरेंड बोलते हैं वेरिएबल को ही क्या बोला जाता है ऑपरेंड अगर कोई भी ऑपरेटर देखो प्लस क्या है ऑपरेटर है कोई भी ऑपरेटर अगर सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है तो उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं मतलब ऑपरेटर सिंगल होगा और सिंगल ऑपरेंट के साथ जो यूज होगा उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे तो बाइनरी किसको बोलेंगे जैसे दो ऑपरेंट लिखा हुआ है ए और बी इसके बीच में प्लस यूज करोगे तो ये प्लस जो है ना बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा अगर ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर यूज होता है तो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं और सिंगल ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर यूज होता है तो उसको हम लोग यूनरी बोलते हैं समझ में आया यूनरी में सिंगल ऑपरेंट के साथ ऑपरेटर यूज होगा बाइनरी में दो ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर यूज होगा इज दैट क्लियर तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इसका थ्योरी क्या होगा तो थ्योरी ये होगा समझोगे इसमें हम लोग ये लिखेंगे जब एक ऑपरेटर वेन एन ऑपरेटर ऑपरेटर इज यूज विथ यूज विथ विथ सिंगल सिंगल जब एक ऑपरेटर यूज किया जाता है सिंगल ऑपरेंट के साथ यूज विथ सिंगल ऑपरेंट किसके साथ यूज किया जाता है सिंगल ऑपरेंट के साथ तब क्या कहलाता है देन इट इज कॉल्ड कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर तब हम लोग इसको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर यह कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर जब एक ऑपरेटर यूज किया जाता है सिंगल ऑपरेन्ट के साथ तब उसको क्या कहते हैं यूनरी ऑपरेटर कहते हैं ठीक है जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हो तो एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लस ए माइनस बी ये ऑपरेंड है प्लस प्लस ए एटसेट्रा तो बोलोगे सर यहाँ प्लस प्लस दो बार यूज हुआ दो बार दिख रहा है प्लस प्लस लेकिन ये दो नहीं है ये एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ठीक है इसके बारे में बताएंगे अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स का कितना टाइप होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूनरी में फर्स्ट पढ़ेंगे यूनरी प्लस यूनरी प्लस यूनरी प्लस जो है ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव ऑपरेंड को इट रिप्रेजेंट्स मतलब प्लस पॉजिटिव नंबर को दिखाता है रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव पॉजिटिव ऑपरेंड किसको दिखाएगा पॉजिटिव ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है जैसे एग्जांपल प्लस ए प्लस फाइव नंबर भी आ सकता है ठीक है प्लस बी तो जितने भी दिखाएंगे वो सब पॉजिटिव ऑपरेंट को रिप्रेजेंट करता है तो नंबर टू तो डिफाइन कर लोगे यूनरी माइनस यूनरी माइनस जो है वो नेगेटिव ऑपरेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव ऑपरेंट हम लोग ये लिखेंगे समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इट रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव ऑपरेंट क्लियर है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बता रहे नेक्स्ट जो है वो है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ठीक है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसका सैम्बल क्या होता है एम परसेंट एड्रेस ऑफ ठीक है ऑपरेटर ये ऑपरेटर है ये क्या करता है मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं और जो मेमोरी का नाम देते हैं उसका जो एड्रेस होता है उसको ये रिटर्न करता है मतलब इट रिटर्न्स इट और भी फ्रेश से लिखते हैं ये जो है रिटर्न करता है इट रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस मेमोरी एड्रेस एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जो भी वेरिएबल होता है उसका ये मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है ठीक है और ये डिनोट किया जाता है ठीक है इट इज इट इज डिनोटेड बाय बाय एम परसेंट कौन सा सेम्बोल के द्वारा एम परसेंट सेम्बोल एम परसेंट सेम्बोल इसको एम परसेंट पढ़ते हैं एम परसेंट ये रीड किया जाता है समझ में आया एम परसेंट सेम्बोल कैसे रिटर्न करता है ये समझना एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखना है जैसे लिखा हुआ इंट ए तो ए वेरिएबल है तो कंप्यूटर में ए के लिए मेमोरी बनता है और इंट का साइज होता है टू बाइट्स लेकिन ये मेमोरी का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा तो एड्रेस हम लोग मान लेते हैं कि इसका वन थाउजेंड एड्रेस है अब इसमें वैल्यू स्टोर करो तो लिखोगे ए इक्वल टू टेन तो ये जो टेन है वो इसमें आ जाएगा अब प्रिंट करवाना है सी डबल लेस देन डबल कोट बैक आफ, ए इक्वल टू डबल कोट डबल लेस दैन ए ए लिखोगे तो ए का वेल्यू कितना देगा टेन देगा आउटपुट में लेकिन एड्रेस प्रिंट करवाना है सी ऑट सियॉट सियॉट डबल लेस देन डबल कोट बैक्सलाड्रेस ऑफ ए ए का एड्रेस चाहिए तो सिंपल ए लिख दोगे ना तो क्या दे देगा पता है ए इक्वल टू टेन एड्रेस नहीं देगा लेकिन ए का क्या चाहिए एड्रेस चाहिए तो अगर आपको ए का एड्रेस चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा एम परसेंट एम परसेंट दोगे तब आउटपुट देगा वन थाउजेंड एड्रेस जो आएगा एड्रेस ऑफ ए वो आएगा वन थाउजेंट ये आएगा मतलब अगर आपको किसी भी मेमोरी या वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो आपको क्या करना होगा एम परसेंट ऑपरेटर लगाना होगा तब एड्रेस रिटर्न होगा समझ में आ गया स्टूडेंट क्लियर है कॉन्सेप्ट किसी को कोई दिक्कत चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या था साइज ऑफ ऑपरेटर ये पढ़ा चुके प्रीवियस वाले लेक्चर में डेटा टाइप के साइज को बताता है तो वहां से देख लोगे नोट ऑपरेटर क्या करता है कंप्लीमेंट करता है नोट ऑपरेटर इसका काम है कंप्लीमेंट करना ठीक है ये डिनोट किया जाता है एक्सक्लामेशन से इट इज डिनोटेड बाय एक्सक्लामेशन इसके द्वारा इसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन साइन से ये डिनोट किया जाता है समझ में आया ये क्या करता है कंप्लीमेंट करता है ऑपरेंड का इसका जो रिजल्ट होगा द रिजल्ट ऑफ नोट ऑपरेटर नोट ऑपरेटर का जो रिजल्ट नोट जब भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे नोट ऑपरेटर द रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेटर इज इज ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट ऑफ द operand. operand का अपोजिट होता है ऑफ द operand. जो भी ऑपरेंड लिखोगे उसका अपोजिट होगा ये रिजल्ट ऑपरेंट ऑपरेंट के अपोजिट होता है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लिखा हुआ है नोट जीरो तो जीरो का वन हो जाएगा जीरो मतलब क्या होता है फॉल्स जीरो मतलब फॉल्स और वन मतलब ट्रू मतलब ये फॉल्स को ट्रू में बदलता है और अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में बदल देगा लेकिन लिखा हुआ है टिल्ड फाइव तो क्या होगा तो समझोगे कंप्यूटर जो है जीरो छोड़ के बाकी जितना भी नंबर लिखते हैं ठीक है सर नहीं नहीं वन थाउजेंड माना हुआ वेल्यू है वो अपने से लिए था आप कुछ भी ले सकते हो एड्रेस समझ में आ देखोगे ये जो है नोट वन लिखा हुआ है जीरो होगा लिखा हुआ है नोट फाइव तो कंप्यूटर में जीरो का मतलब फॉल्स होता है बाकी हम लोग जो भी नंबर लेते हैं सबका मतलब ट्रू होता है तो अगर ये ट्रू है फाइव को ट्रू के जैसा ट्रीट करेगा इसको ट्रू समझेगा तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा अगर माइनस में भी है ना नंबर होना चाहिए तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा ये इसका एग्जाम्पल है मतलब नोट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में बदलता है और फॉल्स को ट्रू में बदलता है जीरो छोड़ के कोई भी नंबर लो कंप्यूटर में सबका मतलब ट्रू होता है बाकी सिर्फ जीरो का मतलब फॉल्स होता है तो जीरो डालोगे तो रिजल्ट वन आएगा बाकी कोई भी नंबर डालोगे तो सब केस में रिजल्ट जीरो आएगा समझ में आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम लोग ये नोट पढ़ लिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर इसमें समझिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस को दो बार प्लस रहेगा तो इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे और यह ऑपरेटर कितना वैल्यू बढ़ाता है तो वन इंक्रीमेंट करता है हमेशा वैल्यू एक बढ़ाता है ठीक है जैसे मान लो लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल टेन और आप लिख दिए प्लस प्लस ए तो ए का वैल्यू इलेवन हो जाएगा तो इस ऑपरेटर को दो तरह से दिखाते हैं एक प्लस प्लस ऑपरेंट के पहले यूज होता है और एक प्लस प्लस ऑपरेंट के बाद यूज होता है तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं जो पहले यूज होता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है और जो ऑपरेंट के बाद यूज होता है इसको पोस्टफिक्स बोलते हैं और दोनों का रूल अलग अलग है ऑपरेंट के पहले प्लस प्लस यूज होगा तो इसको प्रीफिक्स बोलेंगे ऑपरेंट के बाद प्लस प्लस यूज होगा तो उसको पोस्टफिक्स बोलेंगे समझोगे ये जो प्रीफिक्स है ठीक है इसमें रूल है कि इसमें पहले चेंज होता है पहले चेंज मतलब पहले बढ़ाओगे उसके बाद यूज होता है पहले चेंज करो प्लस करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो पोस्टफिक्स में रूल है क्या रूल है कि पहले यूज करना है उसके बाद चेंज करना है बाद में चेंजिंग होगा पहले यूज उसके बाद चेंज समझ में आ रहा है तो दोनों का रूल जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है अब हम लोग इसमें क्या लिखेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ये ऑपरेटर हमेशा वैल्यू को एक बढ़ाता है इस ऑपरेटर को टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस आता है और पोस्ट फिक्स में ऑपरेंट के बाद प्लस प्लस आता है अगर ऑपरेंट के पहले प्लस प्लस आ रहा है तो उसमें क्या होगा पहले चेंज होगा उसके बाद यूज होगा चेंज मतलब पहले बढ़ाएंगे उसके बाद यूज करेंगे पोस्ट फिक्स में पहले यूज कर लेंगे मतलब जोड़ना घटाना गुना भागा जो भी करना है वो पहले कर लेंगे तब उसका वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे समझ में आए तो इस पर ध्यान देना अब देखोगे इसमें हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख रहे हैं तो इंक्रीमेंट में देखोगे रूल इसका समझ में आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्लस प्लस थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया ठीक है प्लस प्लस ऑपरेटर एज नॉन एच नॉन एच क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं कौन सा ऑपरेटर कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यह बोला जाता है ठीक है और ये जो ऑपरेटर है दिस ऑपरेटर ऑलवेज मतलब हमेशा ऑलवेज इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू वैल्यू को बढ़ाता है वैल्यू बाय वन कितना इंक्रीमेंट करता है वन इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है समझोगे एग्जाम्पल समझना जैसे लिखा हुआ है प्लस प्लस ए तो इसको क्या बोलेंगे प्रीफिक्स क्या बोला जाता है प्रीफिक्स और लिखा हुआ है ए प्लस प्लस तो इसको क्या बोलेंगे पोस्टफिक्स क्या बोला जाता है पोस्टफिक्स पहचान लोगे ऑपरेंट के पहले रहेगा तो प्रीफिक्स ऑपरेंट के बाद रहेगा पोस्टफिक्स इसका रूल क्या है तो रूल ये है फर्स्ट चेंज देन यूज ठीक है इसका जस्ट अपोजिट है फर्स्ट यूज देन चेंज ये रूल है अगर दोनों का एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल ये होगा जैसे लिखा हुआ इंट ए इक्वल टू टेन और एक्स ये लिखा हुआ है सेमी कॉलन सेमी कॉलन और यहां लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू प्लस प्लस ए यह है लिखा हुआ ठीक तो यहां दो मेमोरी बनेगा एक ए के लिए और एक एक्स के लिए दो मेमोरी बनेगा ठीक दो वेरिएबल है दो मेमोरी ए में वेल्यू कितना है टेन अब देखो यहां पे पहले चेंज होगा यह शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको हम लोग अपने भाषा में अगर समझेंगे तो इसका मतलब यह होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन ये एक बढ़ाता है यह स्टेप नंबर वन हो जाएगा स्टेप वन ठीक है अब यह बढ़ेगा तो इक्वल टू के राइट right में वैल्यू इक्वल टू तो इधर वैल्यू पुट होता है ए के जगह दस प्लस एक तो ए का ग्यारह हो जाएगा ग्यारह ए का वैल्यू चेंज हो गया ए में ग्यारह हो गया पहले चेंज हुआ देखो पहले चेंज किए 11 हुआ अब स्टोर करेंगे अब यूज करेंगे ए वाला वैल्यू एक्स में जाएगा तो कितना जाएगा ग्यारह जाएगा ये स्टेप टू में हो रहा है तो ग्यारह ग्यारह आ गया अगर यही लाइन इधर लिखा रहता एग्जाम्पल देखोगे ये एग्जाम्पल में नहीं लो इसको यहां पे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं ठीक है ये रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं ठीक है देखो अगर लिखा हुआ इंट ए ए का वैल्यू दस है और x लिखा हुआ है सेम सेम है और लिखा हुआ है x इक्वल टू x इक्वल ए प्लस प्लस अब इसमें क्या होगा देखो थोड़ा चेंज किया तो इसमें पहले यूज होगा मतलब a वाला वैल्यू पहले किसमें आएगा x में तो दो मेमोरी बनेगा एक a के लिए और एक x के लिए यहां दो मेमोरी a में दस आ गया अब x a वाला वैल्यू x में आया मतलब 10 आया तो 10 पहले यूज होगा x में अब यह बढ़ेगा यह स्टेप टू में बढ़ेगा स्टेप टू और स्टेप वन में ये वाला काम होगा ठीक है अब यह बढ़ेगा a इक्वल टू ए प्लस वन तो a का वैल्यू 10 प्लस एक तो कितना 11 हो गया अब ग्यारह ए का हुआ एक्स में जो था वही रह गया एक्स में दस ये घूम के वैल्यू नहीं स्टोर होता है पहले स्टोर कर लिया उसके बाद बढ़ाया इसमें इगारा। तो इसमें ग्यारह तो ए का वैल्यू ग्यारह दिखाएगा और एक्स का दस और यहाँ दोनों का कितना दिखाएगा सॉरी यहाँ पे ग्यारह ना होगा एक बढ़ेगा तो ग्यारह ग्यारह दोनों का वैल्यू जो है ग्यारह ग्यारह बढ़ाएगा समझ में आ चलो रिपीट करते हैं रिपीट ये कर रहे हैं कि प्रीफिक्स ऑपरेंड के पहले प्लस प्लस रहेगा तो इसको प्रीफिक्स बोलेंगे ऑपरेंट के बाद रहेगा तो पोस्टफिक्स बोलेंगे प्रीफिक्स में क्या करना है पहले बढ़ाना है पहले चेंज करेंगे मतलब इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद यूज तो प्रीफिक्स में पहले बढ़ा लिए पहले बढ़ा लो उसके बाद स्टोर करो ठीक है इसमें उल्टा काम करना है पहले स्टोर कर लेना है उसके बाद बढ़ाना है समझ में मतलब इधर पहले बढ़ा लेना है तब स्टोर करना है इधर पहले स्टोर कर लेना है उसके बाद बढ़ाना है तो जो स्टोर कर रहे हैं उसी को यूज बोलते हैं और जो बढ़ा रहे हैं उसको चेंज बोलते हैं तो पहले यूज करना है उसके बाद चेंज करना है उधर पहले चेंज करना है उसके बाद यूज करना है रूल को फॉलो कीजिए तो आपका सब सही हो जाएगा समझ में आ गया स्टूडेंट ठीक है तो आप लोग का होमवर्क है डिक्रीमेंट जैसे इसमें एक बढ़ रहा है वैसे उसमें एक घटेगा इसमें जैसे प्लस प्लस सेम्बल है उसमें माइनस माइनस होगा तो डिक्रीमेंट में क्या लिखोगे माइनस माइनस ऑपरेटर इज नोन एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो ये जैसे बढ़ाता है वैसे वो एक घटाएगा बाकी ऐसा ही होगा तो आप उसको लिख करके लाओगे पूरा इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया स्टूडेंट यहां तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या चलो इसको आप कंप्लीट कर लोगे हाँ ये यूनरी खत्म हो गया है कल बाइनरी ऑपरेटर पढ़ाएंगे चलो एंड कर रहे हैं ठीक है आप लोग और लाइव जुड़िए लाइव नहीं जुड़ते हो आप लोग